उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में आईटीआई कर्मचारियों का 6 सूत्री मांगों को लेकर क्रांति आह्वान पर जिला सचिव क्रांति कुमार रौतेला के नेतृत्व में कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर आईटीआई के मुख्य द्वार पर 2 घंटे धरना दिया। बता दें कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के कर्मचारियों ने क्रांति आह्वान पर अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर काले फीते बांध कर कार्य बहिष्कार कर मुख्य द्वार पर 2 घंटे धरना दिया। उत्तराखंड राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कर्मचारी संघ के जिला महासचिव क्रांति कुमार रौतेला ने बताया कि कर्मचारियों की 6 सूत्री मांगे हैं। जो कर्मचारी जिस पद पर भर्ती हुआ है वह उस पद पर ही रिटायर हो रहा है, कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा सीधे भर्ती कर दी जा रही जिस कारण कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की यह रिपोर्ट। जिसमें से पहले यह तो कि हमारा प्रमोशन नहीं हो पाता टाइम पे, तो 36-37 साल तक लोग इंस्ट्रक्टर से इंस्ट्रक्टर पर ही भर्ती होकर वहीं से रिटायर हो जा रहे हैं। तो हम जाने जल्दी जल्दी उस पर हो जाए। तो हमारी छः टोटल मांगे हैं, जिनमें से एक ये है कि जो किया जाए 100% जितने भी हमारे अनुदेशक हैं सारे कार्यदेशक बने, क्योंकि अभी तक आयोग से जो बनती है उसमें 20% पद इन्होंने बाहर से रखे हुए हैं, तो आयोग की होने की वजह से बार बार इसमें DVC नहीं बैठ पा रही है। और दूसरी चीज़ है कि अनुदेशक कार्यदेशक सेवाएं नियमावली की हम मांग कर रहे हैं, ये बननी चाहिए। तीसरी मांग हमारी है कि जो डायरेक्टरेट में फालतू अफसर इन्होंने बढ़ा रखे हैं उनको चेंज किए जाएँ। और चौथी हमारे नेशनल एक है हमारे नेशनल इंक्रीमेंट के, जैसे इन्होंने JEE को दे दिया है काल्पनिक वेतन वृद्धि, वो लाभ हमें मिलना चाहिए। और बाकी दो हैं कि हमारे जो हुए हैं कार्यदेशक और अध्यक्ष उनका पोस्ट का नाम चेंज होना चाहिए, प्रशिक्षण अधिकारी और वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी होना चाहिए। तो तय करेगा अभी तक फिलहाल यह है कि 13 तारीख तक हम 2 घंटे पर दिन के आधार पर कार्य बहिष्कार पर हैं, 2 घंटे का कार्य बहिष्कार चल रहा है।